बेटे फ्रिक्शन टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया था। फ्रिक्शन की जो जनरल चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। और फ्रिक्शन से आगे का देखिए, लाजो फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया आपको, जिसके अंदर चार लॉ बताए थे मैंने। पहला लॉ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। सेकंड आपको बताया डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट होती है मोशन के, जिसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको बताया था कि जहां पर जैसे साइकिल चलती है तो पेडलिंग हम फोर्स लगाते हैं पीछे वाले टायर पे, ठीक है। तो बेटे उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी, पीछे वाले टायर में, वो आती है फॉरवर्ड। और जो आगे वाला टायर है फॉरवर्ड टायर है वो किसी फोर्स के कारण अपने आप मूव करता है, इस वजह से उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो होती है बैकवर्ड, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कोफिशियंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशियंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है देखिए बेटे, कोफिशियंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। इस वर्ड को म्यू बोलते हैं और म्यू इक्वल होता है एफ बाई आर। एफ का नाम है फ्रिक्शन और आर का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। बेटे ये साइलेंट कीजिए, किसका फोन था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ का नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। बेटे नॉर्मल रिएक्शन आपको पहले पढ़ाई थी कि परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर जो आती है दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आज आगे चलोगे तो देखते हुए चलोगे कैसे कैसे आती है। बेटे ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, आर इज ऑल्सो ए फोर्स, ठीक है। दोनों फोर्स हैं, अगर ऊपर नीचे रखते हो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आप क्या देख पाओगे यहाँ पर, जो आपके पास यूनिट बनेगी किसकी, म्यू की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं बनेगी, ठीक है। एफ बाई आर ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। और अलग अलग के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे आपके पास अगर आप बात करते हो किसकी काइनेमेटिक मोशन के अंदर है तो काइनेटिक आ जाता है, काइनेटिक फोर्स, सॉरी काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रेस्ट में है तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये म्यू की वैल्यू भी आपकी रेगुलर चेंज होती हुई चलेगी। आप याद रखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन मीन्स एफ बाई आर, एफ बाई आर। अब आपको बता रहा हूं फिर दोबारा से, इस म्यू की वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग होती है कि आप रेस्ट में हो स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू अलग होगा, म्यू की वैल्यू अलग मिलेगी। मोशन में है तब म्यू की वैल्यू अलग मिलती है, अलग अलग वैल्यू। अब सेकंड टॉपिक इसी से स्टार्ट होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था डायमेंशनलेस यूनिटलेस। अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन में जाते हो तो एक जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है, अगर म्यू की यूनिट आप कहीं चेक करोगे तो ऐसा कहीं लिखा हो कि इसको मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, ओनली किसमें काइनेटिक के अंदर, अदरवाइज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस बताया जाएगा। अब आता है बेटे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटे, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये आप देखते जाइए और अपनी लैंग्वेज में इसकी इनकी स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है। ज्यादा रटने की चीजें नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। एंगल ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, क्या एंगल बनता है, देखिए ये बॉडी है एक, इस बॉडी का डाउनवर्ड वेट होगा, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन आएगी, बिल्कुल अपवर्ड है ये, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपसे मैंने पहले बताया होगा लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि
कि जो बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे दैट इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा पी से, और एफ जहां भी वर्ड आएगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो चीज समझ में ना आए मेरे से पूछिए, अभी मैं बताता हूं। इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, आपने जो फोर्स लगाया पी, अप्लाइड फोर्स उधर, अगर बॉडी उधर मूव करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए बेटे, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये रिजल्टेंट, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो ये बोलती है, ये कौन है रिजल्टेंट, किस किस का रिजल्टेंट है, आर का और एफ का, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब जो ये रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा, इस थीटा का नाम क्या बोला जाएगा बेटे, इस थीटा को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा सुनो, अब आपको ये पता होना चाहिए था ये थीटा बना किसके बीच में है, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बना दैट एंगल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटे कुमुद साइलेंट करो अपने आप को, कुमुद म्यूट कीजिए। तो बेटे स्टेटमेंट आप अगर लिखना चाहते हो तो बोर्ड से देख के आप समझिए, अपने आप नोट कीजिए, क्या बताया है, एंगल ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बना दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब पेपर में क्या पूछा जाता है, आता कैसे वो देखिए, मैंने स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए, इस तरह कन्वर्ट कर दिया, अगर आपको एंगल नजर आ रही है राइंगल, एंगल के साथ ऑलवेज कोण होता है बेस, तो ये एंगल तो ये साइड बेस बिटे, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली साइड कौन चलेगी, सॉरी एंगल के साथ बेस और दूसरी वाली साइड कौन होती है परपेंडिकुलर, अगर इस ट्राइंगल को मैं उठाता हूँ, इस वाली ट्राइंगल को, इसका नाम ओ रखिए, इसका नाम ए रखा मैंने, ये बी रखा, तो देखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर बेटे ये एंगल, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ तो टेन थीटा क्या बना मेरे पास, ए बी बाई ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखोगे क्या बेटे, ये साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो सेम है ऊपर नीचे, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इधर कौन है, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आर है, तो इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर एफ बाई आर, और बेटे एफ बाई आर नाम किसका है, म्यू का, तो आप फॉर्मूला याद कीजिए म्यू बराबर टेन थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आपसे पेपर में एक नंबर में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो बताऊंगा कैसे, पहले आप ये समझ लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जो रिजल्टेंट है और नॉर्मल रिएक्शन है उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया, और म्यू बराबर क्या होता है टेन थीटा। पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा जाता है, आपसे कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय रूट थ्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको रूट थ्री दे दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ, थीटा की वैल्यू बताइए, तो बेटे आप इसको ऐसे लिखोगे रूट थ्री बराबर टेन थीटा। अब आपको इतना पता होना चाहिए टेन के अंदर रूट थ्री कितने डिग्री के ऊपर होता है, बेटे टेन के अंदर रूट थ्री अपना 60 डिग्री के ऊपर आता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। अब ये होता वन, अगर आपसे बोलता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वन, वन का मतलब टेन वन कहां पर होता है 45 डिग्री, ठीक है, उल्टा दे देता बेटे आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देता
और पूछता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते। बट लगभग जो लगभग देता है आपको किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और पूछता क्या आपसे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो बेटे दो टॉपिक, दो चीजें पढ़ाई आज आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ बाई आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाता है तो म्यू बराबर टेन थीटा, या वो एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटे, इसके बाद स्टार्ट होता है बेटे एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोल दीजिए बेटे, या रिपोज बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, या दोनों सेम है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोला जाए, एंगल ऑफ रिपोज बेटे। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से कर लेना, अल्फा से कोई फर्क नहीं पड़ना है। होता है क्या है पहले वो देखो, आपको ये मार्कर नजर आया मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, वर्ड से क्लियर, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड का मतलब बेटे देखो ये बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, और ये नजर आया ग्राउंड से मैं कुछ एंगल बना रहा हूं, बेटे क्या था, जैसे जैसे ऊपर गए हम एंगल बना, और एक एंगल ऐसा आया जिसके ऊपर इस पैन ने स्लाइड होना स्टार्ट किया नीचे, वो एंगल जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्लाइड करना स्टार्ट करे फर्स्ट टाइम, जैसे स्लाइड करना शुरू किया वही एंगल का नाम कौन है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। दोबारा सुनो, द मिनिमम एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट बिगिन्स टू स्लाइड, स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। देखिए बेटे क्या होता है, अच्छे से समझना, क्योंकि आगे बार बार यही डायग्राम यूज होगा जो मैं अब बनाऊंगा। बेटे पहले मेरा हाथ ऐसे था, ये रहा नॉर्मल, और धीरे धीरे इस हाथ को मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ, मेरा पूरा हाथ, ठीक है, यहां से अब धीरे धीरे मैं इस हाथ को ऐसे उठा रहा हूँ। देखो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पहले मेरा पेन जहां मार्कर है वो था मेरा हाथ, अब यहाँ ऊपर जा रहा है तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बनता जा रहा है, ठीक है, और ये कौन होगी, बिल्कुल ऊपर चला गया। अच्छा अब जो बॉडी रखी गई थी पहले, पहले बॉडी ऐसे रखी गई, नीचे क्या था उसका वेट, और ऊपर क्या थी नॉर्मल रिएक्शन। आपसे हमने कहा नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन तो आपकी क्या चलेगी, सेम। ठीक है, जो पहले ये आर था, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही आर की वैल्यू ऐसे चेंज होता है, ठीक है, बट वेट, क्या वेट चेंज होगा, वेट तो ऑलवेज कहाँ रहेगा, नीचे, बॉडी का वेट तो कहाँ होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड, तो वेट आपका क्या रहा, सेम, ये रहा, पहले mg डाउनवर्ड था, अभी mg क्या है, डाउनवर्ड, बट नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये चल। बट देखो आपका सरफेस इतना ऊपर आया, इसने कितना एंगल बनाया, थीटा, इट मींस देखिए मैंने कहा mg बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड, अब जैसे जैसे ऊपर सरफेस जा रहा है, ये सरफेस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, mg तो आपका इधर शिफ्ट हो रहा है, और जब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा तो mg बिल्कुल नीचे नहीं आ जाएगा, बिल्कुल नीचे होगा। तो बेटे mg तो आपका सेम है, ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल बना r के बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि r के बिल्कुल अपोजिट है ना ये, इट मींस ये जितना एंगल है उतना एंगल ये बनेगा थीटा, तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, इस mg को रिजोल्व करोगे तो इधर आ गया mg cos थीटा, और इधर कौन आएगा mg। जिस बच्चे को समझ नहीं आया हो अभी बोल देना मुझे, सर रिजोल्यूशन कैसे किया, कौन सा एंगल कहाँ बनाया, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये समझ लीजिए पहले बॉडी नॉर्मल सरफेस पे रखी हुई है, तो उसका वेट नीचे है,
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। अब मैंने आपको उस दिन समझाया नॉर्मल रिएक्शन ये है, मेरा मार्कर है, और जैसे सरफेस चेंज होगा नॉर्मल रिएक्शन तो इसके परपेंडिकुलर, देखो जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ वैसे वैसे पेन भी घूम रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो जैसे आपका सरफेस ऐसी थी बॉडी, अब ऊपर आई तो नॉर्मल रिएक्शन पहले ये थी, अब ऐसे आई ये चेंज होगी, बट वेट ऑलवेज कहाँ एक्ट होगा, डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड, जितना एंगल यहाँ बना बेटे सेम एंगल बनेगा आर के साथ, ठीक है। आप ऐसे मान लो ये फिक्स कर दी, ये वायर फिक्स कर दी, जैसे जैसे आप इसको ऊपर इधर आर मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम बनाई मैंने, ये बना दी बेटे, हो सकता है अनस्टेबल दिखा रहे नेटवर्क, ठीक है, मौसम खराब है इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आर के अपोजिट एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, अगर बॉडी आपकी कहां रही है बेटे नीचे डाउनवर्ड, क्योंकि एंगल ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड होगी तो आएगी कहां नीचे, और बॉडी नीचे आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अब दोबारा देखिए जो आप बोल रहे थे एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या बनेगा बेटे, आपने म्यू कहा एफ बाई आर, या इससे नहीं बोलते, देखो मैं सीधा करवाता हूं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखो बेटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड है तो इसके नीचे कौन लगा, mg sin theta, both are equal मान के चलेंगे, f किसके बराबर होगा mg sin theta, upward देखो कौन है r, r के opposite कौन है mg cos theta, तो r के बराबर कौन आ गया mg cos theta, book वगैरह में पढ़ोगे तो इसको alpha represent कर देगा, alpha theta दोनों सेम चलें, alpha लिख लेना चाहिए theta दोनों, ये equation first, ये equation second, divide कर दीजिए दोनों को, डिवाइड करेंगे तो बेटे mg से mg कैंसिल, f by r बराबर हो गया tan theta, और f by r का नाम कौन था म्यू, अगर अल्फा लिखते तो ये क्या बन जाएगा tan अल्फा, इसका मतलब अगर आप चेक करते हो तो थीटा और जो अल्फा है, अगर इसको मैं नाम किसका रख दूं अल्फा का, थीटा कौन था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फा का नाम मैं अगर एंगल ऑफ स्लाइडिंग रखता हूँ तो बेटे थीटा और अल्फा दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे, कहने का मतलब जो फॉर्मूला आपका एंगल ऑफ स्लाइडिंग का आया है वही फॉर्मूला एंगल ऑफ फ्रिक्शन का आएगा, कहने का मतलब थीटा और अल्फा क्या होंगे बराबर, जो पिछले वाले में क्वेश्चंस किया था सेम क्वेश्चंस यहां पर आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आपको पेपर में दी जाती है और आपसे पूछा क्या जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो बेटे आप लोगों ने सेम उसी वे में सोल्व करना है, समझ आया बेटे, अरे रेस्पॉन्स दो, जब आपसे पूछूंगा ना अब तब रेस्पॉन्स आएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ स्लाइडिंग दोनों बता दिया है, अब इसके बाद करवाता हूँ एक एक्सेलरेशन का टॉपिक आता है, एक्सेलरेशन ऑन ए रफ डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन का बताता हूँ, वो देखिए आर्टिकल का नाम है लिखना है लिख लेना बेटे, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ऑन डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, क्या मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी में क्या एक्सेलरेशन होगी कब, डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी कहां है डाउनवर्ड मूव करे तब क्या वैल्यू आएगी, देखना बेटे समझना, एक इक्वेशन लगेगी उसी से आपका आंसर आए, अभी जो डायग्राम बनाया था सेम डायग्राम बनाते हैं, ये एंगल थीटा, इस बॉडी का वेट कहां होगा डाउनवर्ड, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसके अपोजिट दोनों एंगल सेम, इसको क्या लिखेंगे mg cos थीटा, ये आएगा mg sin थीटा, अगर बॉडी नीचे आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अब बेटे अमित कुमार, अमित बेटे अपने आप को अनम्यूट करो, अमित चमन ने कर लिया, चमन अमित हो गया, अमित बेटे सुनो
आपको डायग्राम नजर आया अमित? अमित बेटे फिर उधर गया। अक्षय चलो अमित ने कर लिया। अमित बेटे डायग्राम नजर आ रहा है आपको? नहीं बेटे नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं होगी बातें। ठीक है म्यूट कर लो। और ऐसा कोई बच्चा जिसके पास मेरी साउंड प्रॉपर आ रही हो एक बार अनम्यूट करके बताइए। डायग्राम क्लियर नजर आ रहा है? जिसके पास प्रॉपर साउंड आ रही है वो अनम्यूट कीजिए। बेटे डायग्राम क्लियर नजर आया चमन? यस सर। अच्छा वेरी गुड। तो मेरे को बता एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? बेटा एफ बराबर किसके होगा? एम जी साइन थीटा। और आर आपका किसके बराबर होगा बेटे? एम जी कॉस थीटा। वेरी गुड। ठीक है अब तेरे को नेट फोर्स लिफ्ट वाले केस किए थे बेटे आपने? म्यूट कर गया। कोई नहीं देखिए बेटे यहाँ से दोबारा देखो। आपका जो आर है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है। और दूसरा हम क्या बता रहे हैं, एफ जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर है। आपने एक्सेलरेशन निकालनी, अच्छे से सुन के अच्छे से करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब है ये बॉडी जब नीचे आएगी तो इसमें क्या एक्सेलरेशन आएगी? बेटे अच्छे से सुनना मेरी बात है। मैंने कहा बॉडी जब नीचे मूव करेगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी। कोई भी बॉडी कब मूव करती है? जब उस बॉडी पे नेट फोर्स लगे। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, या तो मैं इधर चलूंगा या इधर। कब चलूंगा? जब मेरे ऊपर मान लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं ऐसे, अगर दोनों ही फोर्स बराबर है तो मैं चल नहीं पाऊंगा। चलूंगा कब? जब इन दोनों फोर्स में एक ज्यादा हो और एक कम हो। आपको पढ़ाया था नेट फोर्स, नेट फोर्स की इक्वेशन। तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है वो बराबर है एम जी साइन थीटा, और आर जो है वो बराबर है एम जी कॉस थीटा। बेटे आपसे हमने कहा नेट फोर्स, फिर बोलता हूँ नेट फोर्स होता है ज्यादा में से कम। अब बॉडी आपको नजर आ रही है, इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं क्योंकि बॉडी आपने कहा कहाँ मूव करेगी? नीचे। तो नीचे की साइड कौन लग रहा है? एम जी साइन थीटा। और ऊपर की साइड कौन लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप कब बोलोगे जब बॉडी आपकी मूव करेगी कि कौन ज्यादा हो बेटे, एम जी साइन थीटा या एफ? आपसे हमने कहा था जिस साइड बॉडी आपकी मूव करती है वो फोर्स ज्यादा होगा और दूसरे वाला कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा माइनस एफ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है स्लाइड कर कर। और नेट फोर्स क्या बना? एम जी साइन थीटा माइनस एफ। क्लियर है? आर्टिकल का नाम पहले बोल दिया, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ऑन ए रफ इनक्लाइंड प्लेन। जब नीचे बॉडी आ रही है तब आप एक्सेलरेशन बताइए। बट नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ। एफ को हम लिखते हैं म्यू आर। अभी आज ही पढ़ाया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू बराबर एफ बाई आर। और बेटे एफ की वैल्यू यहां पर क्या बनेगी? म्यू इंटू आर। इस एफ को उठाकर आप एफ की जगह रखो, म्यू इंटू आर। बेटे आर कितना है? आर ऊपर देख लो ये रहा। तो एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। आगे अपडेट, इसमें कॉमन क्या है? अगर आपको नजर आ रहा है तो एम जी कॉमन है। तो एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बट एम से एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो आई जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जो आपके पास होगा। अगर बॉडी आपकी डाउनवर्ड मूव हो रही है तो बेटे एक्सेलरेशन कितनी चाहिए? एक्सेलरेशन होगी बेटे ए बराबर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है इसका। ठीक है बेटे,
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बता दी है। एक चीज और बोल देता हूं आपको मैं, अगर आपकी बॉडी कभी भी डाउनवर्ड मूव होती है, आपकी बॉडी कभी भी ट्रेवल होती है, तो आपसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए या अप्लाइड फोर्स की बात की जाए, अप्लाइड फोर्स कम से कम कितना लगाए कि बॉडी आपकी ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाए, चलना स्टार्ट कर दे, तो बेटे मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है कि वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो। पी और एफ अगर दोनों बराबर हैं तो मिनिमम फोर्स है जिससे आपकी बॉडी ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर पी की वैल्यू एफ से ज्यादा होती है, अप्लाइड फोर्स अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तो चलेगी चलेगी, ट्रेवल करेगी करेगी, बट मिनिमम की बात की जाती है तो बेटे पी आपका किसके बराबर हो, एफ के बराबर हो, तो वो बॉडी ट्रेवल करती है। तो बेटे ये आपके पास काम था आपका, ठीक है। ये आपकी एक्सेलरेशन है बॉडी की, जो डाउन बॉडी अगर कहां पर मूव कर रही है, डाउनवर्ड ऑन एन इंक्लाइन, ठीक है। हाँ जी बेटे, और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट अभी बोलिए। किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, अदरवाइज बस आज का काम बेटे इतना ही करवाऊंगा मैं।